काशी घर आई और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। जब से वो घाट से आई थी तब से अभय का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ना जाने कब इन्हीं ख्यालों में उसे नींद आ गई। राजेंद्र जी जब काशी के कमरे की तरफ से गुजर रहे थे तो देखा काशी बिना कुछ ओढ़े लेटी हुई थी। वो अंदर गए, खिड़कियां बंद कर उसे कंबल उड़ा दिया और हल्के से उसके सर पर हाथ फेर के वापस अपने कमरे में चले गए। राजेंद्र जी की जान बसती थी काशी में, वो उसकी आंखों में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अगली सुबह काशी तैयार होकर नीचे आई तो देखा राजेंद्र जी नाश्ता बना रहे थे। उसने नीचे आकर आंगन में रखे तख्त पर अपना बैग रखते हुए राजेंद्र जी से पूछा, क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? उसकी आवाज सुन उन्होंने नाश्ते की ट्रे को खाने की मेज पर रखते हुए कहा, अपनी राजकुमारी के लिए हम दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं। उनकी बात सुन आनंद जी ने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर तख्त पर रखते हुए कहा, अरे वाह, आज तो कितने दिनों बाद इतना अच्छा नाश्ता मिला है। पर ये आपके लिए नहीं है, हमने आपके लिए दलिया बनाई है। ये तो हमारी लाडो के लिए है और हमारे लिए। ये बोल वो मुस्कुरा के एक प्लेट में नाश्ता निकाल के काशी को देने लगे। ये सुनते ही आनंद जी ने मुंह बना के दलिया कटोरी में लेते हुए कहा, खिलाओ खिलाओ, देखना जब ये तुम्हें फीका खाना खिलाएगी तो ये प्यार तब देखूंगा। उनकी ये बात सुनकर राजेंद्र जी ने उन्हें भी एक प्लेट देते हुए कहा, मुंह मत बना, ले तेरे लिए भी बनाया है। ये सुनते ही आनंद जी मुस्कुरा दिए। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। दोपहर का वक्त, अभय का होटल रूम। अभय ने नाश्ता करते ही राणा से पूछा, राणा कुछ पता चला उस वसीयत के बारे में? नहीं सर, अभी नहीं। चलो आज हम भी जरा काशी जी से मिल लें। पर हुकुम साह, आपको जाने की क्या जरूरत है, हम है ना, हम देख लेंगे। अरे राणा, आप तो देख ही लिए काशी जी को, अब हमें भी देखने दो। ये बोल अभय खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए राणा को देखकर बाहर निकल गया। इस पर राणा हल्के से मुस्कुरा दिया। अभय सबके साथ निकला और कुछ वक्त में वो काशी के आश्रम के सामने था। राणा ने आके गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो नीचे उतरा। वो अपने आदमियों के साथ अंदर जाने लगा तो चौकीदार ने उसे वहीं गेट पर रोकते हुए पूछा, जी किससे मिलना है आपको? चौकीदार के पूछने पर राणा जी जल्दी से आगे आए और उससे बोले, काशी जी। ये सुन उसने मुस्कुरा के कहा, जी काशी विरिया से मिलना है, जाइए वो अंदर है। अभय अपने आदमियों के साथ अंदर पड़ गया। उसने अंदर आकर देखा तो काशी सारी औरतों को बैठा कर पढ़ा रही थी। अभय कुछ दूर पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसे ऐसे काशी को देखता देख दुबे जी पास आकर पूछे, जी आप सब यहाँ कोई काम है क्या? राणा ने उससे कहा, जी वो काशी जी से कुछ काम था। आप सब चल के कमरे में बैठिए, बिटिया पढ़ा रही है, जैसे खाली होती है मैं बता देता हूँ। दुबे जी का इतना कहना था कि अभय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उनकी कॉलर पकड़ के कहा, उस दो टके की लड़की के लिए मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मैं अभय प्रताप सिंह हूँ। लोग मेरा इंतजार करते हैं, मैं उनका नहीं, समझा? ये सब काशी ने देखा तो दौड़ के आई, दुबे जी को छुड़ा के अभय के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। अभय के गाल पर तमाचा पड़ते ही उसके सारे बॉडीगार्ड्स ने बंदूकें निकाल ली। तभी वहां पर जो लोग थे सब काशी के पीछे आके खड़े हो गए। अभय ने गुस्से में उसे देख अपने गालों पर हाथ रख कर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने? पर काशी ने उसकी बात वही काटते हुए उससे कहा, चुप, एकदम चुप, वरना दूसरा हाथ उठाने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। और रही बात हिम्मत की, तो कोई भी ऐसा काम जो सही हो वो करने में मैं डरती नहीं। एक बात और, होंगे आप कहीं के हुकुम सा श्रीमान अभय प्रताप सिंह, पर ये बनारस है, यहाँ के एक ही हुकुम सा हैं और एक ही मालिक हैं, और वो खुद हम सब के महादेव हैं। तो आइंदा से अपनी ताकत यहाँ आजमाने की कोशिश मत करना। और अब आप दुबे चाचा जी से माफी मांगे चलिए। वहां जितने लोग थे उनमें से एक आदमी ने कहा, का बात है बिटिया, कुछ हुआ का? उसने ऐसा बस इसलिए पूछा क्योंकि उसने बस अभय पर तमाचा पड़ते देखा था, बाकी कुछ उसे नहीं पता था। काशी उसकी तरफ मुड़कर शालीनता के साथ बोली, अरे नहीं काका, बस ये अपने संस्कार भूल गए थे, वही याद दिला रहे थे, और कोई बात नहीं है।
ये सुनकर अभय को गुस्सा आ गया। उसने उस पर चिल्लाकर कहा, तुम 2% की लड़की मुझसे माफी मंगवा रही हो, अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं 10% की हूँ वो तो आपको 3 दिन में पता चल गया होगा। जो मुझसे मिलने आपको राजस्थान से यहाँ तक आना पड़ा, तो मेरी औकात तो आपको खुद पता चल गई होगी। और रही बात अंजाम की, तो उसकी फिक्र आप मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है महादेव की मर्जी से होता है। इतना बोल वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और अभय को देखकर फिर बोली, और अब आप माफी मांगिए चाचा जी से। दुबे जी ने जब बात को बढ़ता देखा तो काशी को रोकते हुए कहा, रहने दो बिटिया, कोई जरूरत नहीं है। नहीं काका, बहुत जरूरी है, और जब तक ये माफी नहीं मांग लेते तब तक ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये बोल काशी ने गेट बंद कर उसकी चाबी अपने हाथ में ले लिया। ये देखकर अभय ने गुरूर में कहा, मुझे रोक पाना इतना आसान नहीं है, समझी तुम, और मैं कोई माफी नहीं मांगने वाला। उसकी बात सुन काशी ने राणा से कहा, राणा जी समझाइए इन्हें, ये इनकी रियासत या राजस्थान नहीं है, ये बनारस में खड़े हैं और यहाँ इनका कोई हुक्म काम नहीं करेगा। ये सुनकर राणा अभय के पास गया, उसने उसके कानों में कुछ कहा और अभय ने गुस्से में एक बार काशी को देखकर कहा, माफ कर दीजिए हमें। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। काशी ने उसकी माफी मांगते ही गेट खोल दिया। अभय गुस्से से उसे देखते हुए निकल गया। वो गाड़ी तक आया और पीछे मुड़के उसे देखकर बोला, तुम्हारे इस थप्पड़ का जवाब तो मैं तुम्हें आज ही दूंगा। ये बोल वो अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसके जाने के बाद दुबे जी ने काशी के पास आकर उसे समझाते हुए कहा, काशी बिटिया, क्या जरूरत थी इतनी झंझट मोल लेने की, अभी कुछ हो जाता तो। कुछ नहीं होगा चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, ये कहकर वो वापस काम में लग गई। पर दुबे जी को चिंता हो रही थी। शाम तक काशी काम करती रही और फिर घर आ गई। कुछ देर सबके साथ बैठ के बातें कर शाम की चाय सबको पिला वो घाट के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उसने शिव जी के आभूषण तैयार कर उन्हें थाल में सजा कर रख दिया और बाकी काम करने लगी। काम करते हुए उसे लगभग 8 बज गए थे। काशी को भी थकान महसूस होने लगी तो वो अपनी शॉल ओढ़ते हुए मंदिर से निकल गई और घाट पर आकर बैठ गई। आज घाट पर बहुत कम ही लोग दिख रहे थे, क्योंकि ठंड भी ज्यादा थी और साथ ही धुंध हो आई थी, इसलिए घाट पर आज लोग ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। काशी खुद को शॉल में लपेटे हुए बहते पानी को देख रही थी। कुछ देर वहां बैठ के वो जाने के लिए उठी और जैसे पीछे मुड़ी तो उसके पीछे अभय सीढ़ियों पर खड़ा था। काशी ने एक नजर उसे देखा और सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी अभय उसके सामने आया। काशी दूसरी तरफ से जाने लगी, अभय इस तरफ आ गया। उसकी ये हरकत देखकर काशी ने उसे देखकर कहा, लगता है आज सुबह का थप्पड़ भूल गए हैं आप, जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये बोल वो जाने लगी तो अभय उसे पकड़कर दीवार से लगाकर खड़ा हो गया और उसके हाथों को पीछे मोड़ के उससे गुस्से में बोला, मैं कुछ भी नहीं भूलता हूँ मिस काशी त्रिपाठी, और जो थप्पड़ तुमने मुझे मारा है ना, उसी का जवाब देने आया हूँ काशी जी। इतना बोलकर अभय ने उसके होठों को जबरदस्ती अपने होठों से छू लिया। काशी ने खुद को छुड़ा के उसे एक तमाचा मारा तो उसने फिर पकड़ के उसके होठों को छू लिया। जैसे ही काशी ने दोबारा हाथ उठाया तो अभय ने उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींचते हुए उससे कहा, जितनी बार हाथ उठेगा उतनी बार मैं ऐसे ही जवाब दूंगा, तो उठाओ हाथ, उठाओ। इस वक्त अभय बहुत गुस्से में लग रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर और उसकी हरकतों से डर कर काशी उसे कुछ नहीं बोल पाई। उसे खामोश देखकर अभय ने आगे कहा, और रही बात जमीन की, तो वो तो मैं यहां से लेकर जाऊंगा तुमसे, है दम तो रोक के दिखा दो काशी त्रिपाठी। ये बोल अभय शांत होकर उसकी आंखों में देखने लगा। उसने देखा काशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने काशी का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी चूड़ियां टूट के कुछ उसके हाथों में लग गई थी। अभय ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने उसका हाथ छोड़ दिया और खुद से दूर कर दिया। उससे दूर होकर काशी ने कहा, एक राजपूत होके ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई?
आप जैसे इंसान को कोई कैसे पसंद कर सकता है? आप तो किसी के नफरत के लायक भी नहीं है। ये बोलकर वो रोते हुए भाग गई वहां से। अभय ने काशी को जाते हुए देखा और एक जोरदार का घूंसा दीवार पर मारा, जिससे उसके हाथों से खून बहने लगा। उसे जब होश आया तो उसे पता लगा कि उसने गुस्से में क्या किया है, पर उसका गुरूर जैसे उसे ये गलत समझने ही नहीं दे रहा था। इन्हीं सब उधेड़ बुन में उसने जोर से काशी का नाम चिल्लाया। इस चिल्लाहट ने घाट की शांति को चीर दिया था और ये आवाज घाट से बाहर निकल रही काशी को भी सुनाई दी थी। ये सुनकर वो एक मिनट के लिए रुकी, उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर घबरा के भाग गई। अभय वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया था। उसके हाथों से बहता खून गंगा के जल में मिल रहा था, पर जैसे उसे कोई ख्याल ही नहीं था। उसके सामने काशी का चेहरा आ रहा था, जो आंसुओं से भीगा था। उसने आंखें बंद की और वहीं सीढ़ियों पर लेट गया। एक हवा का झोंका आया और उसे छू गया। क्यों उसके आंसू बेचैन कर रहे हैं? मैं गुस्से में था, क्यों उसके आंसू देखकर मेरा गुस्सा शांत हो गया? क्या हो रहा है मुझे? मैं उसे दर्द देने आया था, पर वो दर्द का एहसास यहां क्यों है? अभय ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, क्या है तुम में काशी, क्या है तुम में? ये बोल अभय खुले आसमान को देखने लगा।